मेरे पीछे बाण गंगा या फिर आप इसे बाल गंगा भी कह सकते हैं। माता वैष्णो देवी ने हनुमान जी की प्यास बुझाने के लिए इन्हीं माँ गंगा को उत्पन्न किया था अपने बाण के द्वारा, और उसके बाद यहीं पर अपने केश धोए थे, इसलिए इसे बाल गंगा भी कहते हैं। लाइफ में जहाँ घूमना है, जो एंजॉय करना है, यही सही उम्र है, अभी घूम लो। आप अगर ये सोच रहे हैं कभी तुम्हारी बहुत उम्र बची है और तीर्थ बर्फ करने के लिए तो सही उम्र नहीं है अभी, तो मैं आपको बता दूं, ऐसी जगह आने के लिए अगर आप ये सोचते हो तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। यहाँ पर जो बूढ़े लोग हैं उनकी स्थिति ये है कि जैसे अर्थी पे चार लोग कंधा देकर घाट पहुँचाते हैं, वैसे ही यहाँ एक डोली चलती है जिसको चार लोग कंधा देके माता रानी के दर्शन करवाने जाते हैं। तो आप डिसाइड करो कि आपको कैसी यात्रा करना पसंद है। अभी अर्थ कुमारी आने में पूरे 2 किलोमीटर है। हमने चढ़ाई शुरू किया था 8 बजे और अभी हो गए हैं 10:30, तो मतलब 2.5 घंटे में हमने अर्थ कुमारी की यात्रा को तय कर लिया है। ये खूबसूरत सा दृश्य जो आप अपने आँखों के सामने देख पा रहे हैं, ये अर्थ कुमारी माँ वैष्णो देवी की यात्रा के दौरान ये आपकी आधी यात्रा यहाँ पर पूरी होती है। यही वो जगह है जहाँ पे माता वैष्णो देवी 9 महीने गर्भ में रही थी, इसे गर्भ गुफा के नाम से भी लोग जानते हैं। और यहाँ पे एक पतली सी गुफा है जिसमें मोटे से मोटा भी आदमी बड़े आराम से निकल जाता है। ये पत्थर देख रहे हैं जो भाई ने लिया हुआ है, ये ऊपर से आया, इधर से टीने से होते हुए आया और वहाँ पे लगा। भाई माता का शुक्र है कि चोट किसी को आई नहीं। आप भी यहाँ पर क्या ऐसे आना चाहते हैं कंधों पे लद के या फिर हमारे जैसे? इंतजार किस चीज़ का कर रहे हैं? सब कुछ छोड़िए और चले आइए माता के दर्शन के लिए। पहाड़ों में बीच बीच ऐसे हर जगह ड्रिल हो रही है मशीन के माध्यम से ताकि बड़े बड़े पत्थरों को आने से रोका जा सके। अभी समय घूम लीजिए जहाँ घूमना है, नहीं तो ये उम्र आने के बाद ना आपका हाल कुछ ऐसा ही हो जाएगा, चार कंधों पर आपको यात्रा करनी पड़ेगी। जय माता दी दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। अभी मैं जम्मू कश्मीर में और अभी मैं जा रहा हूँ माता वैष्णो देवी के दर्शन करने। तो इस यात्रा के दौरान आपको बताऊंगा कि यहाँ पर क्या क्या करना है, कहाँ स्टे करना है, और यात्रा करने से पहले यहाँ पर एक पर्ची कटती है, वो पर्ची आपकी कहाँ कटेगी, सारी डिटेल बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। यह टैक्सी स्टैंड और बस स्टैंड जहाँ पर आपको यात्रा पर्ची मिलेगी। यात्रा में जाने से पहले आपको बनवानी पड़ेगी पर्ची, और ये वो जगह जहाँ पर आपको पर्ची बनवानी है। ये है RFID कार्ड जिसे यात्रा पर्ची भी कहते हैं, उसको आपको गले में टांग के फिर जाना है अंदर। यात्रा पर्ची लेने के बाद आप अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है यात्रा पर्ची लेने का जो समय है वो सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक है। तो यहाँ पर अच्छी बात यह है कि रात्रि को अगर आप यात्रा करना चाहते हैं तो 10 बजे तक आप पर्ची ले लें और उसके बाद चढ़ाई शुरू कर दें। टोटल अगर किलोमीटर की बात करूँ तो टोटल 15 किलोमीटर की यात्रा होने वाली है, 12 किलोमीटर माता का मंदिर और 3 किलोमीटर भैरव की चढ़ाई। ये कार्ड बनने के बाद आपको 6 घंटे के अंदर बाण गंगा चेक पोस्ट तक पहुँचना है, क्योंकि इसका जो टाइम वैलिड है वो 6 घंटे का है। हालांकि पास में है, आप मैक्सिमम बड़े आराम से आएंगे तो आप 1.5 घंटे 2 घंटे में पहुँच जाएंगे, बड़े आराम से आएंगे, बाकी डिपेंड करता है आपकी चाल पर। अच्छा, एक और अपडेट, यहाँ की जो होटल्स हैं उनमें एक स्पेशलिटीज़ है लगभग सारी होटलों में कि जहाँ भी आप रुकेंगे बस स्टैंड रेलवे स्टेशन से आपको वो अपनी खुद गाड़ी से पिक करेंगे और खुद ड्रॉप भी कर देंगे, तो ऐसा है। और अगर आप रेलवे स्टेशन रोड पर होटल लेते हैं तो वो आपको अपनी गाड़ी से बाण गंगा चेक पोस्ट तक ड्रॉप करेंगे और यहाँ से आपको वो पिक करेंगे होटल तक के लिए। अगर आप चाहें तो घोड़ों के माध्यम से भी चढ़ाई कर सकते हैं। एक और चीज़, लाठियाँ मिलती है 20-20 रुपये की, जो आपके लिए काफ़ी हेल्प होगी, इससे तो आप ये भी ले सकते हैं अगर चाहें तो। बाकी चढ़ाई हमारी भी शुरू नहीं हुई है, सामने जो आपको पहाड़ दिख रहा है उसी के ऊपर चलना है हमें। अगर आपके पास छोटे बच्चे तो आप ये भी ले सकते हैं किराए पर। सरपंच दशमनाथ जूना अखाड़ा, देखो ऐसे घोड़े भी ले सकते हैं आप जाना चाहें तो, ऑटो वगैरह आगे रुक जाएंगे। और यहाँ से प्रसाद चुनरी ये सब अगर आप लेना चाहें तो ये ले सकते हैं। जैसे लाइन से एक तरफ दुकानें लगी है, ये घोड़े वाले यहाँ पे खड़े हैं, घोड़ा वगैरह कर सकते हैं। वैसे तो हेलीपैड भी है, आप चाहे तो हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हैं, पर उसके लिए आपको ऑनलाइन बुकिंग करनी पड़ेगी। एक लंबी लाइन से होकर आपको गुजरना है और आगे चेक पोस्ट, उसको क्रॉस करना पड़ेगा, अपना सामान वगैरह आपको चेक कराना है। सुबह सुबह देखो माता की आरती हो रही, बड़ी सी रेडी लगी वहाँ पर, तो आप आरती का लुत्फ़ उठा सकते हैं। और ये फ्रिस्किंग पॉइंट,
आगे जो देख पा रहे हैं, आगे आपको चल के दिखाता हूँ, जिसे चेक पोस्ट भी कहते हैं। यह चेक पोस्ट हमने क्रॉस कर लिया। ये सारे लोग अपने जो साथी हैं उनका इंतजार कर रहे हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये सारे घोड़े वाले हैं। अच्छी बात यह है कि बाकियों की जगह की जैसा नहीं है, यहाँ पे पालकी भी है, देख सकते हैं आप। यहाँ पर हर चीज़ का गवर्नमेंट ने रेट फिक्स कर रखा है, तो मन माफी किराया आपसे नहीं ले सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर प्लास्टिक बैन है, तो आप प्लास्टिक की बोतल, पन्नी जैसा कुछ भी अगर आपके पास है तो वो आपको बाहरी चेक पॉइंट के पहले ही छोड़ के आना पड़ेगा। एक और चीज़, अगर आपके पास DSLR कैमरा है, लैपटॉप है, दूरबीन है और या कोई हथियार है तो ये सब चीज़ें यहाँ पर अलाउड नहीं है। देखो ये है पालकी पिट्ठू, यहाँ पर पेड बुकिंग काउंटर है, ठीक है, ओनली कैश चलता है फिलहाल। ये रेट लिस्ट है पिट्ठू पौनी और पालकी का, जो वेट के हिसाब से अलग अलग है, तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, पूरी रेट लिस्ट है। अगर आप फोटो वगैरह कराना चाहते हैं यहाँ पर से डमी बनाई गई है माता की मूर्तियाँ और अच्छी अच्छी, तो उनके साथ आप फ़ोटो भी ले सकते हो। सबका प्राइस अलग अलग है और ये प्राइस आप निगोशिएट कर पाए तो वो भी अच्छा। यहाँ से चढ़ाई शुरू हो चुकी है हमारी और अभी एक बहुत लंबी जर्नी करनी है अपने को। ये पालकी जिसको चार लोग लगते हैं ले जाने में, और ऊपर एक आदमी को ही बैठ जाता है। अगर आपके साथ कोई बुजुर्ग है तो उनके लिए ज़्यादा अच्छा है। ये बाथिंग घाट, यहाँ पर आप नहा भी सकते हैं। मेरे पीछे बाण गंगा या फिर आप इसे बाल गंगा भी कह सकते हैं। माता वैष्णो देवी ने हनुमान जी की प्यास बुझाने के लिए इन्हीं माँ गंगा को उत्पन्न किया था अपने बाण के द्वारा, और उसके बाद यहीं पर अपने केश धोए थे, इसलिए इसे बाल गंगा भी कहते हैं। लाइफ में जहाँ घूमना है, जो इन्जॉय करना है, यही सही उम्र है, अभी घूम लो। आप अगर ये सोच रहे हैं कभी तुम्हारी बहुत उम्र बची है और तीर्थ बर्फ करने के लिए तो सही उम्र नहीं है अभी, तो मैं आपको बता दूं ऐसी जगह आने के लिए अगर आप ये सोचते हो तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। ये पूरा एरिया जो है यहाँ पर लंगर होता है गुलसल कुमार चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से, और अभी आपको दिखाता हूँ लंगर का खाना कैसा होता है। ये हलवा, कढ़ी, राजमा, पूरी और राइस, ये है फ्री ऑफ कॉस्ट। खाना ऐसा है कि बाहर आपको 200 रुपये थाली भी नहीं मिलेगा, समझ लो लंगर के नाम से, आप ये मत समझो कि बस ऐसा खाना है। और ये चलाते हैं गुलशन कुमार चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा चलता है, जो माता रानी के बहुत बड़े भक्त थे, सिंगर थे, टी सीरीज के मालिक। यहाँ पर जो बूढ़े लोग हैं उनकी स्थिति ये है कि जैसे आरती पे चार लोग कंधा देकर घाट पहुँचाते हैं, वैसे ही यहाँ एक डोली चलती है जिसको चार लोग कंधा दे के माता रानी के दर्शन कराने जाते हैं। तो आप डिसाइड करो कि आपको कैसी यात्रा करना पसंद है। कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा और बुढ़े को लाठी का सहारा, लेकिन ये दोनों कहावतें यहाँ पर गलत साबित होती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ डूबने के लिए ना तो ऐसी गंगा है, और रही लाठी की बात, तो ये देखो यहाँ पर 99% लोग लाठी के सहारे ऊपर चढ़ते हैं, जो बिल्कुल नवयुवक हैं। अगर आप चढ़ाई शुरू करते हैं सुबह तो अपने शरीर को जितना हल्का आप कर पाएँ उतना हल्का करें। अभी देखो मैंने स्वेटर उतार दिया, जैकेट मैंने सुबह लिया था वो उतार दिया, शॉल था मेरे पास देखे नीचे, सब कुछ उतार के ऐसा, क्योंकि चढ़ते चढ़ते ना एकदम गर्मी लगने लग जाती है। और ये समय है वैसे जनवरी, आज है 8 जनवरी, तो आप लगा लो ठंडी के समय ये हाल है तो गर्मी में क्या हाल होता होगा। तो अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर करके चलें। अभी हम आ गए प्रथम दर्शन स्थल मंदिर से, चरण पादुका, माता का चरण पादुका के दर्शन, और यह प्रथम दर्शन स्थल है यहाँ का। अभी तक हमने 3 किलोमीटर की चढ़ाई पूरी कर ली है और अभी हमारी आधी भी चढ़ाई नहीं हुई है, अभी तो बहुत लंबी जर्नी है। यहाँ पर जगह जगह ना ऐसे फुट मसाजर लगे हुए हैं, अगर आप चढ़ाई चढ़ते चढ़ते थक जाते हैं तो इन फुट मसाजर की वजह से, बेसिकली पूरा बॉडी मसाजर है, आपका मसाज जाएगा। इसका प्राइस है 30 रुपये 15 मिनट के लिए। चरण पादुका दर्शन के बाद थोड़ा आगे चलने पर दो रास्ते हो जाते हैं, एक सीढ़ियों का रास्ता जो शॉर्टकट होता है और एक प्लेन जैसा भी हम आ रहे थे, लेकिन हमने शॉर्टकट लेना सही समझा और अब लग रहा है डिसीजन हमारा गलत था, क्योंकि यहाँ की सीढ़ियाँ बिल्कुल ऐसे खड़ी है। इधर से आना है और ऐसे घूम के और अभी ऊपर की तरफ जाना है। ये सारे वॉशरूम्स बने हुए हैं
जो आपको यात्रा के दौरान बहुत ही यूज़फुल साबित हो सकते हैं, और ये सारे फ्री सर्विसेज हैं। ये सीढ़ी वाला रास्ता आके इसी प्लेन रास्ते में मिल जाता है, तो अगर आप प्लेन रास्ता चूज़ करते हो इधर से आपको आना पड़ेगा और यहीं पर दोनों लोग मिल जाओगे, फिर आगे की तरफ आप जा सकते हैं। इस यात्रा में आपको वैसे अगर थकान की बात मैं ना करूं तो बाकी आपको कोई तकलीफ़ नहीं होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे खाने पीने से लेकर वॉशरूम जैसी कई सारी हाई क्वालिटी की सुविधाएं हैं। एक सीढ़ी, ये वाली सीढ़ी जो आपको शॉर्टकट लेके ऊपर तरफ जाएगी, और ये प्लेन जो आपको घुमा कर थोड़ा ले जाएगी। सीढ़ियों की संख्या की बात करूँ तो 526 है, लेकिन अभी हम रास्ता चूज़ करेंगे प्लेन वाला, क्योंकि सीढ़ियों पर थकान बहुत ज़्यादा लगती है। यहाँ से दो रास्ते हो जाते हैं, एक जिसमें मैं आ रहा हूँ ये पैदल यात्रियों के लिए है, और उधर वाला घोड़ों के लिए है। कितने घंटे लगते हैं आपको पहुँचने ऊपर? हम 4 घंटे में जाते हैं। और 4 घंटे पहुँच जाते ऊपर तक? 4 एक आदमी को बैठा के सोचो 4 घंटे पहुँच जाते हैं। ये गजब की मेहनत है, सल्यूट है। अभी अर्थ कुमारी आने में पूरे 2 किलोमीटर है। यहाँ पर घोड़ों को पानी पिलाया जाता है, देखो ऐसे जगह जगह हर जगह घोड़े के पानी पिलाने के लिए जगह बनी है, और आपके भी पीने के लिए। इधर से आना है और यहाँ से और खड़ी चढ़ाई शुरू होती है, देख रहे हैं। यहाँ अपने शरीर को लेके चढ़ना इतना मुश्किल हो रहा, उसके बाद भी ये लोग इंसान को लेके कैसे चढ़ रहे हैं। और उससे बड़ी बात देखो, घोड़े पे ये लोग बैठ के कैसे जाते हैं, और घोड़ों की हिम्मत को सलाम है। अपने भारी भरकम शरीर को माता के मंदिर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अपने मजबूत कदमों के दी है मैंने। अभी हमें ऐसे ऐसे करके ऊपर की तरफ वहाँ जाना है, और उससे भी आगे है। यहाँ लगा हुआ एक बोर्ड, आप इधर से भी जा सकते हैं, भवन इधर से भी जा सकते हैं। इधर जाएंगे तो आपको पड़ेगा 5.5 किलोमीटर, और इधर जाएंगे तो आपको पड़ेगा 6.5 किलोमीटर। लेकिन अगर आपको अर्धकुमारी जाना है तो आपको इधर से जाना पड़ेगा। तो हमने डिसाइड किया कि हम जाएंगे अर्धकुमारी होकर, और अगर आप अर्धकुमारी पहुंच गए तो आप ऐसा समझो कि आपकी आधी चढ़ाई हो चुकी है। अगर कोई भी घोड़े वाला, पिट्ठू वाला, पालकी वाला आपसे गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित किए गए मूल्य से ज़्यादा पैसे मांगता है, तो आप उसकी कंप्लेंट भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखें, सबके कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखे हैं। एक समय था जब धार्मिक स्थानों पर लूट मची थी, लेकिन आज बहुत सारी चीज़ें हैं जो सुधर चुकी हैं। और इतना ही नहीं, रास्तों की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुके हैं, और कई सारी चीज़ें यहाँ पर डेवलप होती जा रही हैं। अर्धकुमारी से पहले यहाँ पर पुलिस का चेक पॉइंट है, ऐसे रास्ते पर चेक पॉइंट है, लेकिन ये मोर्चा नंबर 3 का सामान स्कैन होगा, और इधर से लेडीज़ के लिए अलग रास्ता, जेंट्स के लिए अलग रास्ता है। जो भी घोड़े और खच्चर हैं वो यहीं पर रुक जाएंगे, आपको यहाँ से आगे जाना पड़ेगा पैदल ही। हमने चढ़ाई शुरू किया था 8 बजे, और अभी हो गए हैं 10:30, तो मतलब 2.5 घंटे में हमने अर्धकुमारी की यात्रा को तय कर लिया है। यहाँ पर आप चाय नाश्ता वगैरह करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, अर्धकुमारी आधी रास्ता तय करने के बाद। यहाँ पर रास्ते में आपको शौचालय, वेटिंग हॉल, ये सब सुविधाएँ हैं, तो आप ये सारी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो। लेकिन यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको गंदगी नहीं फैलानी है, ध्यान रखना, नहीं तो 500 रुपये का आपको एक बड़ा जुर्माना भुगतना पड़ेगा। ये खूबसूरत सा दृश्य जो आप अपने आंखों के सामने देख पा रहे हैं, ये अर्धकुमारी माँ वैष्णो देवी की यात्रा के दौरान ये आपकी आधी यात्रा यहाँ पर पूरी होती है। यही वो जगह है जहाँ पर माता वैष्णो देवी 9 महीने गर्भ में रही थी, इसे गर्भ गुफा के नाम से भी लोग जानते हैं। और यहाँ पे एक पतली सी गुफा है जिसमें मोटे से मोटा भी आदमी बड़े आराम से निकल जाता है। वहाँ पे वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, नहीं तो मैं आपको उसका भी वीडियो दिखाता। ये है पूरा एरिया जहाँ पर लोग बैठ के इंतज़ार भी करते हैं, बेसिकली इसको आप वेटिंग एरिया भी कह सकते हो। लेकिन सामने लिखा भगवती भवन, और वहाँ पर क्लॉक रूम वगैरह जैसी कई सारी सुविधाएं जहाँ पर आप अपना सामान लॉक रख सकते हैं। और ऊपर की तरफ है हेलीपैड। माता के भवन जाने का 2 रास्ता है, एक रास्ता इधर की तरफ है जो नया रास्ता है, अभी बना हुआ है, वे टू भवन आप देख सकते हैं, ये नया रास्ता है। और इधर की तरफ जो रास्ता है, इधर पुराना रास्ता है, ये शॉर्टकट रास्ता है, और ये नया वाला रास्ता थोड़ा सा लॉन्ग कट है, लेकिन रिलैक्स ये वाला ज़्यादा रास्ता है। ये पत्थर देख रहे हैं जो भाई ने लिया हुआ है, ये ऊपर से आया, इधर से टीने से होते हुए आया, और वहाँ पर लगा भाई के पैर में। माता का शुक्र है कि चोट किसी को आई नहीं। गर्भ गुफा में जाने के लिए आपको यहाँ पर लाइन लगाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले आपको पर्ची लेनी पड़ेगी, और ये है गर्भ पूजन पर्ची कक्ष, और ये है वो एरिया, बेसिकली काउंटर, जहाँ से आपको पर्ची मिलेगी, और यहाँ से आपका नंबर मिलेगा कि आप दर्शन कब कर सकते हैं।
तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि यहाँ से आप नंबर ले लें और नंबर लेने के बाद आप चले जाएँ माता के भुवन दर्शन करने के लिए। उसके बाद वापसी में अगर आपका नंबर आ जाता है तो आप दर्शन कर लें, नहीं आता है तो थोड़ा वेट कर लें, आपका आधे घंटे 40 मिनट में ये लोग दर्शन करवा देंगे। लेकिन अगर आप यहाँ रह के वेट करेंगे तो कई बार तो ऐसा होता है कि 6-6, 7-7 घंटे हो जाते हैं उसके बाद आपका नंबर आता है। ये वो पर्ची जिसमें हमारा नंबर आया है 156 और ये पर्ची निःशुल्क है, इसका कोई आपको पैसा नहीं लेना है। और आपको ये पता करना है कि अभी कौन सा नंबर चल रहा है और आपका नंबर कौन सा है, उसी हिसाब से आप अपनी यात्रा को कर सकते हैं। अगर आपका नंबर आने वाला है तो आप दर्शन कर कर जाएँ, और अगर आपका नंबर ज़्यादा है तो फिर आप वापसी में कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि आप पता कैसे करेंगे कि नंबर चल कौन सा रहा है, कहाँ पूछेंगे, कैसे पूछेंगे, किससे पूछेंगे, तो उसका भी सोल्यूशन मैं आपको दे देता हूँ। ये सामने देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रुप नंबर 020 और यहाँ पर डिजिटल तरीके से भी लिखा हुआ 20, तो मतलब अभी चल रहा है 20 नंबर और हमारा 156, तभी हमें बहुत टाइम। तो पहले हम दर्शन करेंगे माता रानी के, उसके बाद वापसी में यहाँ के दर्शन करेंगे। हम यात्रा अपनी प्रारंभ करेंगे नए वाले रास्ते से, क्योंकि ये इसकी खड़ी चढ़ाई नहीं है और पुराने वाले की खड़ी चढ़ाई है, जिसमें आप थोड़ा रिलैक्स फील करने वाले हैं। नया वाला जो रास्ता है ये बिल्कुल प्लेन है, तो इसमें आपको थकान का एहसास कम होगा। पुराना वाला रास्ता जो है वो खड़ी चढ़ाई है, तो उसमें आपको थकान ज़्यादा लगने वाली है। और वेल मेंटेन रास्ता है, टाइल्स वगैरह लगी है, दिखाता हूँ आपको। देखिए ये है नया वाला रास्ता, एकदम नीट एंड क्लीन, टाइल्स लगी है। नीट एंड क्लीन इसलिए है क्योंकि ये सारी चीज़ ट्रस्ट में है, जहाँ पर सफाई कर्मी लगे हुए हैं और जगह जगह डस्टबिन लगी हुई है। तो आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान रखें कि यहाँ पे कचरा ना फैलाया जाए। आप भी यहाँ पर क्या ऐसे आना चाहते हैं कंधों पे लद के या फिर हमारे जैसे? तो समय इंतज़ार किस चीज़ का कर रहे हैं? सब कुछ छोड़िए और चले आइए माता के दर्शन के लिए। वैसे तो कुमारी के बाद से अगर आप चाहें तो यहाँ से बैटरी चलित गाड़ियाँ मिलती हैं, आप वो भी ले सकते हैं। तो यहाँ से माता के भवन तक आप गाड़ी से जा सकते हैं। मेरे सामने गाड़ी आ रही, ऐसी गाड़ियाँ आपको मिल जाएंगी, ऐसी वाली वो मिलेगी अर्धकुमारी से। वापसी में भी अगर आप आएंगे तो आपको अर्धकुमारी पर ये ड्रॉप कर देंगे। अभी हमारी यात्रा रह गई है 4 किलोमीटर तक की, तो आप लगा लो 8 किलोमीटर तक की जर्नी हम लोग कर चुके हैं पैदल। एक और चेक पॉइंट आ गया हमारा, जेंट्स और लेडीज़ का अलग अलग। ऐसे छोटी छोटी आपको रास्ते में दुकानें मिल जाएंगी जहाँ पर आप खाने पीने की चीज़ें भी ले सकते हो। लेकिन एक बात ये है कि दुकान के सामने जो है हर चीज़ का रेट लिस्ट लगा हुआ है। तो अभी मैंने बर्गर पूछा आप कितने का है, उसने बोला 60 रुपये का। बर्गर का कोई रेट नहीं है, तो आप ऐसा समझो कि दाल में नमक के बराबर यहाँ भी चल रहा है। पहाड़ों में बीच बीच ऐसे हर चीज़ें ड्रिल हो रही है मशीन के माध्यम से, ताकि बड़े बड़े पत्थरों को आने से रोका जा सके, और चारों तरफ नेटिंग हो रही है, जालियाँ लगाई जा रही हैं। अभी समय घूम लीजिए जहाँ घूमना है, नहीं तो ये उम्र आने के बाद ना आपका हाल कुछ ऐसा ही हो जाएगा। 4 कंधों पर आपको यात्रा करनी पड़ेगी, फिर चाहे वो इस लोक से उस लोक की हो या फिर कहीं भी तीर्थ व्रत करने की हो। आ गया भोजनालय पॉइंट, ये श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से यहाँ पर भोजनालय होता है, आप कर सकते हैं। ये एरिया है जहाँ पर श्राइन बोर्ड द्वारा एक तरीके का आप समझो भंडारा होता है, लेकिन ये पेड होता है। इसका रेट लिस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, ये पूरा इसका रेट लिस्ट आप वीडियो को पॉज करके एक एक चीज़ पढ़ सकते हैं। और ये काउंटर जहाँ से आपको टोकन लेना है पैसे देकर, देखो यहाँ पर रेट वगैरह सबके दिए गए हैं। चाय का रेट 8 रुपये, देख रहे हैं ना। हमने लिया है 2 कड़ी राइस जिसका प्राइस है 100 रुपये, क्योंकि हम हैं 2 लोग। उसके बाद अंदर आकर आपको टोकन देना है और यहीं से आपको खाना मिलेगा। अच्छी चीज़ ये है कि ये सारी जो प्लेटें हैं ना, पेपर प्लेट है, प्लास्टिक वाली नहीं है, तो ये बड़ी आराम से डिकम्पोज हो जाती है। इस टेस्ट की बात मैं बात करूँ, टेस्ट कैसा है इसका, बहुत ही बेहतरीन टेस्ट है। जो प्राइस में यहाँ पर मिल रहा है ना, कहीं नहीं मिलेगा आपको। जब आप नीचे जाएंगे तो आपको यही खाना कम से कम 100 रुपये का मिलेगा। यहाँ पर आप कुछ ट्राई करें चाहे ना करें, लेकिन यहाँ की चाय ज़रूर ट्राई करना है। यहाँ की चाय बेमिसाल है, लाजवाब। इधर से आना है और फिर से आपको एक चढ़ाई करनी है ऊपर की तरफ, और इधर जब आप देखेंगे तो माता का दरबार आपको नज़र आ गया। वो है माता का दरबार, वहीं तक हमें चलना है बस, ज़्यादा 500 मीटर। और ये जो मेरे पीछे बच्चा झूले में बैठा है, इस झूले को भी लेकर आप ऊपर तक आ सकते हैं अगर आपके पास बच्चा है या बैग है। लेकिन इस झूले का प्राइस है 540 रुपये, और जो घोड़े और खच्चर हैं उनका प्राइस पड़ता है आपको 2000 रुपये के आसपास, और जो पालकी है उसका पड़ेगा 3000 रुपये। लेकिन इन सबसे सस्ता और सबसे आसान आपको हेलीकॉप्टर पड़ेगी, जिसका प्राइस है 2000 रुपये। नीचे से आपको बैठाएगा और सीधे ऊपर ड्रॉप कर देगा ज़्यादा 10 से 15 मिनट में।
ऐसे जालियाँ लगाई जा रही हैं स्टील की बड़ी बड़ी, ताकि नीचे पत्थर ना आए। जो भी डोली और पालकी है वो यहीं पर रुकेंगी, आखिरी स्टॉप है, और यहाँ से आपको आगे पैदल जाना पड़ेगा। और माता का दरबार यहाँ से ज़्यादा होगा तो 100 से 150 मीटर। अगर आप चाहें तो वापसी में फिर से यहाँ पे झूले पालकी कुछ भी जो चाहें वो कर सकते हैं। एक और आखिरी चेक पोस्ट है, वो है माता के भवन का चेक पोस्ट। फिर से वैसे ही अपने आप को चेक करना है और निकलना है इधर से। ये जो लाइन लगी है ये है प्रसाद के लिए। जैसे आप चेक पोस्ट से बाहर आएंगे इधर इधर प्रसाद के लिए लाइन लगेगी, और ऐसा प्रसाद यहाँ पर मिलता है काउंटर के थ्रू। वहाँ पर आपको पर्ची लेना है और इधर से आपको प्रसाद मिलेगा। दो तरीके के प्रसाद है, एक 50 का, एक 100 का। देखें, 50 वाला जो प्रसाद है वो है विदाउट नारियल, और 100 वाला जो है वो विद नारियल। यहाँ आपको पर्ची देनी है और उसके बाद यहाँ से आपको पैक्ड प्रसाद मिलेगा। ये देखिए ऐसे। तो अभी हम लाइन में लगते हैं, पर्ची कटाते हैं, प्रसाद लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये हमने ले लिया प्रसाद। ये देखो, झोले में आपको मिलेगा ऐसे बेहतरीन सा श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से आपको ये प्रसाद मिलेगा। वैसे यहाँ पर माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से कई सारी फैसिलिटीज़ हो गई हैं, एम्बुलेंस वगैरह है और कई सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर लूट घसोट नहीं है, जैसे और तीर्थ स्थान है जहाँ पे प्रसाद के नाम पे लूट होती है, वहाँ पे ऐसा नहीं है यार। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपको लेना है 50 का लो, नहीं लेना है तो 100 का लो, जो आपको पसंद है वो लो। और सबसे अच्छी चीज़, जो भी आप लेंगे हर चीज़ का आपको बिल मिलेगा। तो मतलब यहाँ पर बहुत बेहतरीन चीज़ें हैं, आप भी यहाँ दर्शन करने आ सकते हैं निश्चिंत होकर। भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए आप या तो लंबी सीढ़ी चढ़कर जाएं, या फिर यहाँ पर रोपवे भी चल रहा है जिसे केबल कार भी कहते हैं, इसके माध्यम से आप भैरव बाबा के दर्शन कर सकते हैं बड़े आराम से। देखिए यहाँ पर एक निर्देश है, यहाँ पर मोबाइल कैमरा, फ़ोन, पर्स, बेल्ट, ये सारी चीज़ें जो है आपको अंदर जाने से पहले लॉकर में जमा करके तभी जाना है। तो लाइन में लगने से पहले ये सारी चीज़ें जमा करनी है, तो अंदर का वीडियो पॉसिबल नहीं होगा। दर्शन करके निकलते हैं, फिर आपसे हम बातचीत करते हैं। यह लॉकर का एरिया, ताला कुंजी संग्रह कक्ष, जो कि फ्री है, और यहाँ पे लंबी लाइन लगानी पड़ेगी आपको चारों तरफ से। और ऐसे ऐसे छोटे छोटे लॉकर मिलेंगे आपको चाबी के साथ में, क्योंकि अंदर पर्स, बैग, मोबाइल फ़ोन ये सब चीज़ें अलाउड नहीं है, कैमरे वैमरे, तो आपको यहीं पर लॉक करके जाना होगा। लॉकर की लगेगी लंबी लाइन, तो कोशिश करें अगर आप अकेले हैं, आपके पास छोटा बैग है, तो जो आगे हो और उसके पास छोटा बैग हो तो उसकी मदद से आप दोनों लोग मिलकर एक ही लॉकर में सामान रख दें और साथ में दर्शन करने जाएं और वापसी में आके साथ में ले सकते हैं। एक लंबी लाइन आपको इधर से लेके घूमते हुए इधर ऐसे जाना पड़ेगा, और वहाँ पे काउंटर, वहाँ से मिलेगी आपको चाबी और ये सारे लॉकर्स हैं, फिर आप लॉकर्स में अपना सामान को लॉक कर पाएंगे। फाइनली हम दोबारा आ गए हैं लॉकर रूम में, क्योंकि दर्शन करने के बाद आपको यहीं से अपना सामान लेना होता है। तो मैं आपको एक ब्रीफ दे देता हूँ कि दर्शन के दौरान आपको ऊपर कहाँ कहाँ क्या क्या मिलने वाला है, क्योंकि ऊपर मोबाइल फ़ोन और कैमरा अलाउड नहीं है। तो अगर आप मेरे पीछे देख रहे हैं, वहाँ अगर आपको जाना है तो वो जाएगा भैरव धाम की तरफ, मतलब बाबा भैरव के दर्शन करना है तो आपको पीछे की तरफ जाना होगा, नहीं तो इधर इधर तरफ आपको फिर से वापस होना उसी रास्ते जिस रास्ते से आप आए हो, ठीक है। अब अंदर क्या क्या है मैं आपको बता देता हूँ। अंदर स्काई वे के रास्ते आप जाएंगे, सबसे पहले आपको दर्शन होंगे गुफा के, वो गुफा जिस गुफा से पहले लोग जाते थे अंदर दर्शन करने, फिलहाल वो बंद कर दी गई है और एक नया रास्ता बना दिया गया है, सीढ़ियों के माध्यम से आप जा सकते हैं। सीढ़ियों के माध्यम से जब आप जाएंगे लाइन लगाते हुए, तो आपको माता के दर्शन होंगे, माता की पिंडियाँ हैं वहाँ पर दर्शन होंगे। दर्शन करने के बाद बाहर चरणामृत आ रहा होगा, उसका आप जो है प्रसाद लें। उसके बाद जब आप बाहर तरफ आएंगे तो वहाँ पर एक प्राचीन शिव गुफा है आपके राइट साइड में पड़ेगी, उसका दर्शन करना बिल्कुल भी ना भूलें। प्राचीन शिव गुफा का दर्शन करने के बाद आप सीधे एग्जिट की तरफ आएंगे और उसी रास्ते आपको आना जिस रास्ते आप गए हो, तो आप आ जाएंगे दोबारा क्लॉक रूम की तरफ। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी और ट्रैवल जर्नी पर, तब तक के लिए जय माता दी, जय हिंद।